नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। दुनिया भर के साथ साथ ही भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और कई सारे नए केसेस हर घंटे दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक लगभग 85 से अधिक मामले देश भर के सामने हैं और देश भर में कोरोना के 52 टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा 57 सैंपल कलेक्शन सेंटर भी बनाए गए हैं और सरकार की तरफ से लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों पर नज़र रखी जा रही है। देश के 30 एयरपोर्ट पर भी स्क्रीनिंग के पूरे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में 6, हरियाणा में 14, केरल में 17, राजस्थान में 3, तेलंगाना में 1, उत्तर प्रदेश में 11, लद्दाख में 3, तमिलनाडु में 1, जम्मू कश्मीर में 1, पंजाब में 1, कर्नाटक में 4 और महाराष्ट्र में 11 कोरोना के केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस से कर्नाटक में एक बुजुर्ग की मौत हुई है। वहीं ताज़ा खबर ये है कि दिल्ली में भी एक कोरोना पीड़ित महिला ने दम तोड़ दिया है। भारत में कोरोना वायरस से 2 मौतें हो चुकी हैं। ये मौत कर्नाटक के कलबुर्गी और दिल्ली के एक हॉस्पिटल में हुई है। आज हम आपको टेस्टिंग सेंटर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आपके आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जिसके बारे में आपको प्रतीत होता है कि कोरोना वायरस से ग्रसित हो सकता है, तो आज हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि आप कहां पर जाकर के टेस्ट करवा सकते हैं। देश भर में कोरोना वायरस के 52 टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिनके बारे में हमने पहले आपको बताया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के टेस्टिंग सेंटर के बारे में। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस भोपाल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ जबलपुर में। इन 2 जगहों पर टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां पर प्राप्त होने वाले वायरस से जुड़े हुए संदिग्ध केसों को इकट्ठा किया जाता है और उनके सैंपल्स को टेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ देश भर में सैंपल को इकट्ठा करने के लिए भी 57 सेंटर बनाए गए हैं, जहां आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात में 4, वहीं बिहार में 3, चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में 1, दिल्ली में भी 1 और जम्मू कश्मीर, झारखंड में 1, कर्नाटक में 2, केरल में 1, लद्दाख में 1, मध्य प्रदेश में 4, महाराष्ट्र में 7, मणिपुर में 1, ओडिशा में 1, पुडुचेरी में 1, राजस्थान में 2, तमिलनाडु में 7, तेलंगाना में 2, यूपी में 1, उत्तराखंड में 2, पश्चिम बंगाल में 5 टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं। आपको बता दें, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं, जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर और श्याम साह मेडिकल कॉलेज रीवा में बनाए गए हैं। इनमें से किसी भी मेडिकल सेंटर पर जाकर के आप कोरोना से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करके अपने सैंपल इकट्ठा करा सकते हैं, जिनकी जांच कराई जाएगी और उसके बाद आपको रिपोर्ट भी मिलेगी। आपको बता दें कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है। अपने हाथों को बार बार साबुन से साफ धोते रहें और अगर साबुन ना मिले, सैनिटाइजर का उपयोग करके अपने हाथों को स्वच्छ रखें। अगर आपको छींक या खांसी आती है तो अपने नाक के सामने कोहनी लगा करके छींके या खांसे, जिससे यह वायरस अधिक मात्रा में समाज में या पर्यावरण में ना फैल सके। इसके साथ ही साथ उचित सावधानियां बरतें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।